What a beautiful place it is. Fish, whales look amazing in the water, no? Very colorful, but different species. Yes, but it is not as beautiful as it looks. But why? Why are you saying so? Nowadays, people are interrupting their peaceful life. They are interrupting their life, their place, for their own sake, for their own purpose. Really, you are right. And our Ma'am Shobha is also going to explain it in our new chapter. Yes, so why to waste time here? Let's go in the class. Hello, my dear students. How are you? Very nice. I'm good too. Okay. Yes, of course, I'm going to tell you about mammals' life and how people are disturbing their life, as you were discussing. For short, I'm going to tell you through this chapter, that's very beautiful chapter, that is the call for silence over the seas. What does it mean? Yes, the title shows that somebody is demanding silence over the seas. But why and who is demanding? Who is calling for silence? Let's know in the chapter. Yes, let's start from here. Deep down in the sea. समुद्र के बहुत नीचे एकदम गहरे रूप में thrives a bountiful nature. Thrives means develop. Develop होती है bountiful nature, एक large amount में nature grow करती है. Nature भी जिंदा है. कहाँ? Deep down in the sea. Read this article about the mysterious sea. Mysterious, जिसमें बहुत सारे रहस्य हैं, mystery है. सी में, सी के नीचे बिल्कुल लाइफ चल रही है, मिस्ट्री तो होगी, है ना? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. यस, वी मे इमेजिन दैट बिलो द सर्फेस द ओशन इज डीप एंड साइलेंट स्पेस. हमें तो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं ना कि ओशन के नीचे तो बिल्कुल एकदम साइलेंट होता होगा, एक बहुत गहरा है, डीप है ओशन. But it is not so. लेकिन ऐसा नहीं है. The sea is deep and dark but not silent. Sea deep है, dark है, but not silent. शांत नहीं है, गहरा है, dark है. Life underwater is naturally always alive with sound. Life है वहाँ, है ना? किसकी life हो सकती है? जो mammals रहते हैं sea में, या animals रहते हैं, है ना? बहुत सारे रहते हैं animals. कौन कौन से? Like fish, डॉल्फिन्स, है ना? जैसा आपने पिक्चर में पहले देखा ना, बच्चे कन्वर्सेशन कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे फिश थी, डॉल्फिन थी, है ना? तो वो सारी जो लाइफ है समुंदर के नीचे जो है वो लाइफ है विद साउंड. और उनकी बहुत सारे साउंड भी प्रोड्यूस होती हैं उनसे. ग्रंट्स, कफ्स एंड क्लिक्स ऑफ फिश, क्राइज एंड सॉन्ग्स ऑफ हमबैक व्हेल्स, ऑल form part of the natural soundscape of coastal waters. तो grunting की sound fishes निकालती हैं, cuffs की sound, clicks की sound, तो ये बहुत सारी sounds आती रहती हैं, उस underwater चलती रहती हैं, cries होती रहती हैं, है ना? Song की भी आवाज़ें आती हैं, humpback kind of whale, एक तरह की whale है, है ना? तो उस ये सब जो है एक part बन चुकी हैं उस soundscape का, उस environment का. कौन से एनवायरनमेंट के, कहाँ का एनवायरनमेंट है? ऑफ कोस्टल वाटर्स, कोस्टल ओशन का, समुद्र का. साउंड ट्रेवल्स रिमार्केबली वेल अंडर वाटर. ये जो साउंड्स हैं वो चलती रहती हैं, ट्रैवल करती रहती हैं, नोटेबली जिसको नोटिस किया जा सकता है. कहाँ चलती रहती हैं? अंडर वाटर. दैट्स वाई फिश, व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड अदर मरीन स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड, developed to largely use sound instead of sight to navigate, avoid predators, forage for food and find mates. तो इस तरह से बहुत सारे अपनी वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपनी लाइफ को डेवलप करती रहती हैं, साउंड प्रोड्यूस करते रहते हैं, है ना? और इंस्टेड ऑफ
ये नहीं कि वो देखती रहे कि कहाँ उन्हें चलना है, वो अपने सिर्फ अपनी मस्ती में अपनी साउंड प्रोड्यूस करती रहती हैं, अपने मेट से बात करती रहती हैं, ढूंढती रहती हैं उन्हें, और प्रीडेटर्स मतलब जो एनिमल्स हंटिंग के लिए आते हैं ना एक दूसरे, उनको हंटिंग भी कुछ एनिमल्स उसमें ऐसे भी होते होंगे जो हंट करते होंगे दूसरे एनिमल्स को, तो फॉरेज, फॉरेज क्या है एक तरह से, दे ऑल्सो सर्च फॉर फूड है ना, फूड भी ढूंढते रहते हैं, तो ये सब काम भी चलते रहते हैं अपनी उनकी लाइफ में, और साउंड प्रोड्यूस होती रहती हैं बहुत सारी, राइट। नेक्स्ट स्टेंजा दैट इज दी साउंड्स फॉर्म एन असेंशियल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, ये जो साउंड्स हैं असेंशियल पार्ट है उनके कम्युनिकेशन सिस्टम का फॉर मैनी मरीन एनिमल्स, बट दे नाउ फेस अ ग्रोइंग प्रॉब्लम, लेकिन अब वो ग्रोइंग प्रॉब्लम उनकी वो फेस कर रहे थे, आर फेसिंग ग्रोइंग प्रॉब्लम, बढ़ती हुई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। व्हाट प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम, अ राइजिंग टाइड ऑफ मैन मेड नॉइज इज डिस्ट्रप्टिंग द लाइव्स ऑफ मरीन एनिमल्स, नाउ दे आर फेसिंग अ ग्रोइंग प्रॉब्लम, बढ़ती हुई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कौन सी है, अ राइजिंग टाइड ऑफ मैन मेड नॉइज इज डिस्ट्रप्टिंग द लाइव्स ऑफ मरीन एनिमल्स, तो इंसान जो काम करता है उससे जो नॉइस हो रही है वो डिस्टर्ब कर रही है किसको, द लाइव्स ऑफ मरीन एनिमल्स, मरीन एनिमल्स की लाइफ को, जो उसमें ओशन के समुद्र में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी लाइफ को वो डिस्टर्ब करती है वो नॉइस। अब कैसे डिस्टर्ब करती है, लेट्स इमेजिन, सोचो, सपोज करो, इमेजिन ट्राइंग टू टॉक टू अ फ्रेंड ऑन अ बिजी रोड, कि आप कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो अपने किसी फ्रेंड से बात करने के लिए, कहाँ पे, ऑन अ बिजी रोड, एक बिजी रोड पे एमिडस्ट व्हीकल प्लाइंग कॉन्स्टेंटली, जहाँ पे व्हीकल्स का काफ़ी शोर आना जाना चल रहा है, एंड लाउड हॉकिंग ऑफ हॉर्न्स, और उनके हॉर्न्स की बहुत तेज बजने की आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ पे आप बात करने की कोशिश कर रहे हो तो कैसा लगेगा आपको, है ना, आप बात ही नहीं कर पाओगे। इट इज़ सिमिलर सिचुएशन फॉर मैनी ऑफ दीज एनिमल्स, और ये बिल्कुल ऐसी सेम सिचुएशन जो है मरीन एनिमल्स की रहती है, कि वो अपना काम करती हैं, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी में इंसान के कामों की, एक्टिविटीज़ की डिस्टर्बेंस होने लग जाती है। इट इज़ एज इफ दे लिव इन क्राउडेड नॉइजी सिटीज, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि वो कहीं रह रहे हो क्राउडेड एरिया में, किसी नॉइजी सिटी में रह रहे हो जहाँ हर चीज़ उन्हें डिस्टर्ब करती रहती है, इतना नॉइस पॉल्यूशन है वहाँ, इतना डिस्टर्बेंस है, दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव लीड अ पीसफुल लाइफ। आई होप यू गॉट इट, दैट्स वी हैव डन टिल दिस, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। यस लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। नॉइज पोल्यूशन फ्रॉम सम ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इज अफेक्टिंग मरीन स्पीसीज, तो नॉइज पोल्यूशन ऑब्वियसली, लेकिन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो, जिनसे नॉइज पोल्यूशन होता है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो अफेक्ट करती हैं मरीन लाइफ को, लेट्स टॉक अबाउट दैट। शिपिंग, बोट ट्रैफिक, पोर्ट कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड अंडर वाटर सिस्मिक टेस्टिंग फॉर माइनिंग में बी इम्पॉर्टेंट कोस्टल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं दैट डिस्टर्ब्स मरीन मैमल्स लाइफ, मरीन में जो समुद्र में जो मैमल्स हैं उनकी लाइफ को अफेक्ट करती हैं ये सारी एक्टिविटीज़। सिस्मिक टेस्टिंग क्या है, आपने सुना होगा अर्थक्वेक आते हैं लेकिन उन्हें पहले ही, अब गवर्नमेंट के पास ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे हम पहले ही पता कर सकते हैं कि कहाँ किस एरिया में अर्थक्वेक आने वाला है, तो उस टेस्टिंग को बोलते हैं सिस्मिक टेस्टिंग, जो अर्थ के नीचे होता है, और उसके लिए क्या करना पड़ता है, माइनिंग करनी पड़ती है, खुदाई करनी पड़ती है बहुत नीचे। Studies, I'm here. Studies have shown that while these sounds may have no impact on human beings, study तो ये show करती है कि ये जो sounds produce होती हैं जब ये testing होती है या ये जो activities human करते हैं तो वो human life को इतना effect नहीं करती हैं, in marine life
दे कैन बी डेट्रीमेंटल, दैट कैन बी डैमेजेबल. वो कई चीज़ों को, कई स्पीसीज को, कई एनिमल्स को डैमेज कर सकती है, इतना ज़्यादा अफेक्ट कर देती हैं दीज एक्टिविटीज. नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट एंजा. Yes, now let's start the next stanza. A little over 100 years ago, the ocean were almost unaffected by human related noise. बहुत साल पहले की, अगर हम कुछ सालों की पहले की बात करें, तो ये जो एक्टिविटीज़ होती थी इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती थी, मतलब मरीन लाइफ जो थी वो अनअफेक्टेड थी, उसको उस पर कोई प्रभाव नहीं था ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ डेवलप नहीं हुई थी कि वो सी ओशन के नीचे जाके कर सकें, है ना. मॉडर्न प्रोपेलर ड्राइवन शिप्स एंड smaller vessels are very noisy and are increasing rapidly in many parts of the world. तो world के बहुत सारे part, propeller क्या होते हैं, एक तरह के steamer होते हैं जो जैसे ships वगैरह चलते हैं, तो उसमें काफ़ी noise रहती है, काफ़ी शोर होता है जब वो चलते हैं, तो जो steamer चलते हैं, तो steamer से जो ship चलते हैं, और vessels होते हैं कई ऐसे जिनसे बहुत ज़्यादा शोर होता है, और ये इनका यूज़ जो है कुछ वर्ड के कुछ पार्ट्स में बहुत ज़्यादा ही होने लगा है. वर्ड के वो कौन कौन से पार्ट हैं, लाइक स्पेशली अराउंड हाईली पॉपुलेटेड एरियाज लाइक यूरोपियन, साउथ ईस्ट एशियन और यूएसए कोस्ट, इन एरिया में ज़्यादा यूज़ होने लगा है. हियर शिपिंग नॉइस इज कॉन्स्टेंट, शिपिंग नॉइस जो कॉन्स्टेंट है, लगातार ये नॉइस होती रहती है, एंड इंटेंस और बहुत डीप होती है, गहरी होती है, एंड मेजर कॉज ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन. और इसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है मैमल्स का, है ना, वो आपस में बात नहीं कर पाते हैं, एंड बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं उनमें, किनमें, इन मरीन मैमल्स में. क्लियर. नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस स्टैंजा. स्टडीज हैव शोन दैट रीसेंट डेवलपमेंट्स इन मिलिट्री एक्टिविटीज एंड एंटी सबमरीन मेजर्स दैट जनरेट very loud short pulses of sound have also been instrumental in disturbing marine life. तो स्टडी ये शो कर चुकी है कि मिलिट्री की जो एक्टिविटीज़ हैं या एंटी सबमरीन मेजर्स हैं वो भी एक तरह से लाउड होती हैं और काफ़ी शोर करते हैं, और ये इफ़ेक्ट करती हैं मरीन लाइफ को, डिस्टर्ब करती हैं. सम एनिमल्स हैव सफर डैमेज टू द ब्रेन एंड अदर टिश्यू एसोसिएटेड विद हियरिंग एंड साउंड ट्रांसमिशन. तो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं ये नॉइस, इवन जो हमारे साउंड को ट्रांसमिट करने वाले टिश्यूज़ हैं या हियरिंग ट्रांसमिशंस जो रहते हैं उनके, उन टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर ऑर्गन्स. दूसरे ऑर्गन्स पर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं है, लेकिन जो हियरिंग टिश्यूज़ हैं उन पर और हमारे ब्रेन पर इसका ज़्यादा अफेक्ट रहता है. Many other animals have suffered nitrogen bubbles in the bloodstream. उनके ब्लड स्ट्रीम में नाइट्रोजन बबल्स आने लगते हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल, probably caused by a panic response to the noise. क्यों होता है ये, इसका रीज़न क्या है, दैट इज़ caused by panic. मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स, जब हम एक जो अनबियरेबल हो ऐसे नॉइस को हम रिस्पॉन्स करते हैं जो हमें आने लगता है जब शोर. Another serious next stanza. Another serious issue is the displacement of animals. हमारे घर से कोई हमें displace कर दे, है ना, हमारी जगह कोई change कर दे, अपने room से bed की जगह भी हमारी कोई change होती है तो कितना हम लोगों को hurt होता है ना, हम लोगों को अच्छे से नींद नहीं आती है. तो सोचो mammals को उनके पूरे space से, उनके जो उनका space है जहाँ वो रह रहे हैं, उनका हैबिटेट, एक उनका जो रहने का एरिया, उससे उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है.
क्यों? ड्यूरिंग मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन जब पानी के नीचे किए जाते हैं उनकी, उस टाइम पे उनको शिफ्ट कर दिया जाता है कहीं और, फोर्सिंग देम टू अबंडन इम्पॉर्टेंट फॉरेजिंग हैबिटेट्स। तो उन्हें क्यों फोर्स किया जाता है कि वो अपने सर्चिंग फूड की जो काम है उसे उन्हें दूर रखा जाता है, अबंडन कर दिया जाता है जहाँ पे वो पहले रह के फूड को सर्च करते थे। तो कितना उन्हें फोर्स करते हैं कि वहाँ पे वो अब फूड नहीं ढूंढ सकते हैं, वो अपने जो रेगुलरली काम करते थे वो वहाँ नहीं कर सकते हैं। दैट्स वेरी बैड ना, कितना उन्हें हर्ट होता होगा, कितना बुरा लगता होगा उन मैमल्स को, कितनी उनकी लाइफ अफेक्ट हो जाती होगी, है ना। सो दीज आर द जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। Yes, let's start from here now. Oil, gas and other undersea mineral exploration commonly use seismic surveys creating ripples of intense noise and recording its transmission through the rock strata that is layer to find new mineral reserves. तो ऑयल गैस, ऑयल के लिए, गैस के एक्सप्लोरेशन के लिए, उनको ढूंढने के लिए और काफ़ी माइनिंग वर्क जो चलते रहते हैं, एक्सप्लोसिव्स होते रहते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं ये सब एक्सप्लोजन्स या फिर इनको ढूंढने के लिए, मिनरल्स को ढूंढने के लिए क्या भी किया जाता है, सेस्मिक सर्वेस किए जाते हैं कि कहाँ पे हमें ऑयल मिलेगा, कहाँ गैस मिलेगी, जो क्रिएट करते हैं रिपल्स को, वेव्स को। और वो वेव्स, वो रिपल्स क्या करती हैं, नॉइज प्रोड्यूस करती हैं, रिकॉर्डिंग इट्स ट्रांसमिशन। और उनका ट्रांसमिशन जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उससे भी काफ़ी नॉइज प्रोड्यूस होती है थ्रू द रॉक स्ट्रेटा। वो ट्रांसमिशन कब, जो रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांसमिशन की, तो वो भी वो कब की किसके थ्रू होती है, रॉक स्ट्रेटा, रॉक लेयर्स के थ्रू होती है। क्यों की जाती है, मिनरल रिजर्व्स को ढूंढने के लिए कि कहाँ पे मिनरल्स मिलेंगे, है ना। सेटेशियंस आर नॉन टू बी डिस्प्लेस बाई दीज सिस्मिक सर्वेस एक्टिविटीज़। तो जब ये सर्वेस किए जाते हैं, ये एक्टिविटीज़ की जाती है सर्वेस की, तो उस टाइम पे सेटेशियंस होते हैं जो बेसिकली मैमल्स, मरीन मैमल्स जो हैं लाइक फिश, डॉल्फिन्स, वेल्स, है ना। तो ये मैमल्स जो हैं उन्हें डिस्प्लेस कर दिया जाता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह से उनके जो है जहाँ पे उनका हैबिटेट है, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ से उन्हें दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है, विच कैन लास्ट फॉर सेवरल वीक्स इन अ गिवन एरिया। तो एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में काफ़ी लंबे टाइम तक जब ये काम चलता है तो उनको उनके रहने की जगह से, हैबिटेट से काफ़ी लंबे टाइम के लिए कहीं और भेज दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट एंजा, ऑफशोर कंस्ट्रक्शन इज रैपिडली इंक्रीजिंग, पर्टिकुलरली द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज विंड फार्म्स, बिल्डिंग ऑफ ब्रिजेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह के काम भी चलते हैं ऑफशोर, मतलब शोर से थोड़ा दूर, सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पे, सरफेस पे, जब लाइक आपने देखा होगा ब्रिजेस बनते हैं, है ना। तो इस तरह के जब काम किए जाते हैं और उनकी जो कंस्ट्रक्शन है की जाती है, तो वो ऑब्वियसली काफ़ी लंबे टाइम तक चलती होगी, विच रिक्वायर प्रोलॉन्ग्ड अंडर वाटर वर्क। उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है ऐसे काम को करने के लिए, काफ़ी लंबा टाइम लगता है इनकी कंस्ट्रक्शन को करने में, और वो बहुत सारा काम का जो पार्ट है वो अंडर वाटर किया जाता है, पानी के नीचे किया जाता है, एंड मे इवन इन्वॉल्व एक्सप्लोसिव्स। और इसमें काफ़ी सारे एक्सप्लोजन्स भी किए जाते हैं। दिस कैन कॉज बिहेवियरल चेंजेस इन मरीन मैमल्स इन अ मेजर वे। बहुत बड़े तरीके से मैमल्स की लाइफ को अफेक्ट करती है, उनके बिहेवियरल चेंज उनमें लाती है। नेक्स्ट एंजा, दिस लाउड साउंड लाउड नॉइस ड्राइव्स मैनी स्पीसीज ऑफ वेल्स, डॉल्फिन एंड अदर मरीन एनिमल्स टू चेंज देयर बिहेवियर मार्केटली। तो इस तरह से उनमें बिहेवियर काफ़ी चेंज आने लगते हैं, उनके बिहेवियर चेंज होने लगता है। देयर कॉलिंग फॉर रेजिंग एंड माइग्रेशन पैटर्न्स, उनको अलग अलग जगह पे बुलाया जाता है, भेजा जाता है, उन्हें उनकी फॉरेजिंग को चेंज कर दिया जाता है, लाइक उनके सर्चिंग फूड के जो वेज हैं वो चेंज हो जाते हैं, उन्हें माइग्रेट किया जाता है, जो अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। कॉड एंड हेडॉक इन बैरन सी हैव बीन फाउंड टू फ्ली द एरिया ड्यू टू दीज लाउड एक्सप्लोजन्स। तो काफ़ी सारे इस टाइप के एनिमल्स जो हैं वो भी आप देख सकते हैं बैरन सी में अपना जो अपनी जगह है उसे वो छोड़ के चले जाते हैं कहीं और।
दिस ड्रास्टिकली रिड्यूसेस फिश कैचेस फॉर डेज, और इवन जो फिश कैचेस का काम होता है वो भी बहुत टाइम तक कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. नेक्स्ट एंजा, दिस प्रॉब्लम इज गेटिंग स्टेडली वर्स फॉर अनदर रीजन. और भी बहुत सारे रीज़न है जिससे कि ये जो कंडीशन है मरीन लाइफ की, मरीन मैमल्स लाइफ की, वो और ज़्यादा वर्स हो रही है और ज़्यादा ख़राब हो रही है. एज मोर नॉइस इज क्रिएटेड द ओशन इज गेटिंग बेटर एट ट्रांसमिटिंग इट. सी वाटर इज एब्जॉर्बिंग लेस साउंड एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फॉसिल फॉयल बर्निंग सीप्स. सीप्स क्या होती हैं, एक तरह से किसी रास्ते से पास होना, गुजरना, है ना. तो सीप्स इनटू द ओशन एंड एसिडिफाइज इट. एज मोर नॉइस इज क्रिएटेड, जैसे और ज़्यादा नॉइस क्रिएट की जाती है, द ओशन इज गेटिंग बेटर एट ट्रांसमिटिंग इट. ओशन और ज़्यादा अच्छा होने लगता है ट्रांसमिट करने में, क्योंकि जितना मतलब काम ज़्यादा हो रहा है इट मीन्स उतनी ज़्यादा नॉइस हो रहा है. सी वाटर इज एब्जॉर्बिंग लेस साउंड एज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म फॉसिल फॉयल बर्निंग सीप्स इनटू द ओशन एंड एसिडिफाइज. तो जहाँ पे नॉइस होता है वहाँ पे क्या होता है, अगर कम नॉइस अब्जॉर्ब कर रहा है सी जो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म होने लगती है, फॉसिल फॉयल बर्न करने लगता है और पास होने लगता है ओशन में, और उसे जहरीला बना देता है, एसिडिफाइज कर देता है. नेक्स्ट एंजा, लार्ज बलीन वेल्स, अ काइंड ऑफ वेल्स, आर ऑफ स्पेशल कंसर्न. दे कम्युनिकेट ओवर वास्ट डिस्टेंसेस इन द सेम फ्रीक्वेंसीज दैट शिप प्रोपेलर्स एंड इंजन्स. तो इस तरह से जो कम्युनिकेट, उनका जो कम्युनिकेशन, दे कम्युनिकेट फ्रॉम वास्ट डिस्टेंसेस, बहुत सारे मतलब काफ़ी दूर से वो जो कम्युनिकेट करते हैं, और सेम फ्रिक्वेंसीज से. तो जो शिप प्रोपेलर्स हैं, जो स्ट्रीमर्स हैं शिप के और इंजन के, वो काम करने लगते हैं. देर आर टाइम्स वेन द एरिया ओवर विच वेल्स इन कोस्टल वाटर्स कैन हियर वन अनदर श्रिंक्स टू ओनली अ स्मॉल परसेंट ऑफ इट्स नेचुरल एक्सटेंट. Unable to communicate, individual whales have trouble finding each other and spend more time on their own. इस तरह से जो काफ़ी सारे whales हैं अपना रास्ता भटक जाती हैं, और उन्हें वापस आने में या अपने mates को फिर से ढूंढने में बहुत लंबा time लग जाता है.